गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई भी पीडीएफ फाइल आती है उसको ऑटो कैड में कैसे इंपोर्ट करना है। पीडीएफ फाइल इंपोर्ट इन ऑटो कैड की फाइल आपकी DWG फॉर्मेट में होती है, बट अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल आई है उसको आप डायरेक्टली ऑटो कैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि आपके दो मेथड्स हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मेथड वन क्या है। ठीक है, तो हमें कोई भी पीडीएफ फाइल दी, सपोज ये हमारी कैड फाइल ही आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में है, जिसमें देख सकते हैं आप इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करा सकते बिकॉज ये क्या है आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में है। बट अगर हमें करना क्या है, हमको इसको ऑटो कैड में इम्पोर्ट कराना है, तो ये बहुत सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेफरेंस में अटैच। सपोज आपको ये रास्टर लिखा हुआ है, इंसर्ट रेफरेंस टू एक्सटर्नल फाइल सच एज अदर ड्राइंग्स रास्टर इमेज सच एज अंडरलेज। ठीक है, तो यहाँ से अटैच पे आपने क्लिक किया। अब जहाँ पे भी आपकी कैड फाइल होगी पीडीएफ फॉर्मेट में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ ऑल फाइल से तब भी शो करेगी, अगर कोई इमेज है तो आप इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से पीडीएफ ले लेंगे, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल शो होने लगेगी। आपने पीडीएफ फाइल सेलेक्ट किया, देन ओपन। ओपन करने के बाद आपके पास ये आएगा स्पेसिफाइजेशन पॉइंट वाला ऑप्शन। अभी ये 0 0 0 है, तो इसका मतलब अपने आप यहाँ पे ओरिजिन पे प्लेस होगी ड्राइंग। इसको रोटेट एंगल 0 है तो 0 एंगल पे रोटेट होगा, और स्केल आपका 1 स्केल पे ही बाय डिफॉल्ट ये प्लेस होगी चीज़ें। अगर इसमें आपको स्पेसिफाई मेथड लेना है तो अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर इसको स्केल चेंज करना है तो डायरेक्टली यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हैं, रोटेट करना है तो डायरेक्टली रोटेट कर सकते हैं, बट इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम डायरेक्टली इसको ओरिजिन पे और सेम सेटिंग्स पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं, हम डायरेक्टली ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे देखिए आपकी ये पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल आ गई, बट ये अभी एडिटेबल नहीं है। अगर आपको इस फाइल को एडिटेबल करना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहला क्या है, पहले फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखिए एडजस्टमेंट के आएंगे, कंट्रास्ट है तो देखिए लाइट डार्क हो रहा है, यहाँ पे जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए फेड है, हल्का सा फेड टच पे आ रहा है। डिस्प्ले इन मोनोक्रोम, मोनोक्रोम कर देंगे, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट आपका हो गया प्रॉपर। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा है क्रिएट क्लिपिंग बाउंड्री, अगर ये इसमें कोई एक्स्ट्रा बाउंड्री इतनी आ गई इसको आप एक तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो क्रिएट क्लिपिंग बाउंड्री लेके हमने एक एरिया को सेलेक्ट कर लिया कि हमारी इतनी, देखिए इसने क्या किया उतना एरिया को क्रॉप कर दिया। फिर अब यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये इनेबल स्नैप ऑन होना चाहिए तभी अगर कोई भी कमांड लेंगे, सपोज लाइन या जो भी लिया तो वो आपका स्नैप यूज होगा वहाँ पे, देखिए पॉइंट टू पॉइंट पकड़ेगा, अदरवाइज वो स्नैप काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसमें कितनी भी लेयर्स यूज कर रखी उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट लेयर पे जाके देखिए इसमें पर्टिकुलर लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं इसे पीडीएफ वाली फाइल में ही। यहाँ पे देखिए फर्नीचर हमने ऑफ कर दिए। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यही और पीडीएफ फाइल डायरेक्टली ऑटो कैड की फाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत इजी मेथड है, आपको फाइल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करके आपको एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जितने एरिया को हमें सेलेक्ट करना है, और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे ये पूरी फाइल ऑटो कैड की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए सिंपल सी लाइन है, यहाँ पे देखिए डायमेंशन में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी कन्वर्ट किया और ये होम पे जाके देखिए जितनी भी लेयर्स थे ऑटोमेटिक लेयर्स भी क्रिएट हो गई। तो ये जो आपका था मेथड वन था। नेक्स्ट एक और मेथड होता है इंपोर्ट कराने का, सिंपल सा आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ इंपोर्ट, ये डायरेक्टली पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेगा। पीडीएफ इंपोर्ट करने के बाद आपने वो ऑटो पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट किया, देन ओपन कर लिया। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होंगी, जैसे स्केल हो गया आपका,
वेक्टर ज्योमेट्री सॉलिड फिल रहेगा कि नहीं, अगर फिल कर रखा है अपने, रास्टर इमेज रहेगी कि नहीं रहेगी। इसमें ये दो ऑप्शंस ऑन होने चाहिए, ज्वाइन लाइन एंड आर्क सेगमेंट्स, अप्लाई लाइन विड प्रॉपर्टीज, ठीक है। और लेयर्स में यूज़ पीडीएफ लेयर्स अपने आप क्रिएट कर देगा, ऑब्जेक्ट लेयर्स क्रिएट कर देगा, करंट लेयर होगा, ठीक है। तो अभी हम यूज़ पीडीएफ लेयर, जो पीडीएफ में लेयर यूज़ कर रखी है वही हम चाहते हैं, तो ओके किया हमने। तो डायरेक्टली देखिए इसने फाइल इंपोर्ट करके उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपको दो मेथड्स हमने बताए, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में हमसे बात पूछ सकता है वो चीज़ें। और अगर ये वीडियो आपकी हमें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।